इश्क़ावे तेरे से कई अच्छी आवाज में बोल सकता हूँ मैं। बेहतर होगा हवेली जाके अपनी बहन से ही पूछ। क्या बोले? पाऊं ताकतवर है जहां साईं, अच्छा नहीं है उससे दिल से निकाह करके उसकी बीवी बन जाऊं। बीबी, शाहजेब साईं का कत्ल जहां साईं ने किया है। आसिया, आसिया, जहां साईं गिरफ्तार हो गया है तेरा निकाह टल गया है। कितने दिन था? जल्दी अल्लाह साईं का फैसला है, उसने वजाहत का कत्ल किया है, अब नहीं आता वो। चल जुल, बदल कपड़े उतार जेवर से। जेबी साईं बहुत मोहब्बत करता था तुझसे, मुझसे सब पता है। अल्लाह साईं ने तुझे बचाया है। मैंने ज्यादती कर दी आसिया, मैंने ज्यादती कर दी। कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया। मैं जेबी साईं को क्या जवाब दूंगी? मैं जेबी साईं को क्या जवाब दूंगी? पता है उसे कोई जवाब नहीं मांगेगा वो तुझसे। हिम्मत कर, कपड़े बदल, जा जा, उठ मेरे साथ। मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे माफ नहीं करेगा। ऐसे नहीं करती, हिम्मत कर। मैंने बहुत ज्यादती की है सेवी साईं के साथ, मैंने बहुत ज्यादती की है। बीबी, बीबी मुझे बचाएं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने वजाहत को नहीं मारा, वो बिल्कुल वैसे मरा जिस तरह भारंगा अपनी गोली से मरा था। मुबशर का कोई कसूर नहीं है ना, इसी तरह मेरा भी कोई कसूर नहीं है। बीबी मुझे यहाँ से निकालो। चल कुछ देर के लिए मैं मान लेती हूँ कि वजाहत को तूने नहीं मारा है, शाहजेब को तो तूने मारा है ना। नहीं 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 नहीं, बीबी क्या बात कर रही है, मैं अपने भरा को कैसे मार सकता हूँ? बीबी मुझे कोई भी कसम ले लो, मैंने जेबी को नहीं मारा है। मामे से बात करो, मुझे यहाँ से निकालो। बीबी मेरा कुछ करो। तू कहाँ जा रही है? मैं भी कपड़े बदल लूं। जिस कत्ल की वजह से आसिया की जहां साईं से जान छूटी है, सकीना अब्बा
मेरा भी कुछ लगता था। आज यौ में आजादी, इसे एक कत्ल ने दो दो औरतों को निजात दिलाई। आसिया को जहां साई से और मुझे वजाहत साई से। कितनी अजीब बात है ना सकीना, आज एक बार फिर से मैं बेवा हो गई, मगर आज मैं दुखी नहीं हूं, बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं मैं। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं एक बार फिर कुंवारी हो गई हूं। अपो, अब क्या होगा? मेरे को क्या पता, जो भी होगा इससे बुरा नहीं होगा जो हो गया है। अब को फूफी के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। इसमें फूफी बेचारी का क्या कसूर? वो तो बेचारी फुर्सा देने आई थी, अबे ने उसे घर में घुसने नहीं दी। उन्हें तो बहुत कुछ नहीं चाहिए था। हो गया, होश कर आपो, कुछ कर, तू बहुत कुछ होने से बचा सकती है। नहीं झल्ली, मैं क्या कर सकती हूं भला? किसे जोगी होती पंद्रह साल पहले अब्बा जी से कह देती, जहां साई से नहीं बशर से शादी करना चाहती। तू अब्बा से कह, अब्बा से कह के वसूला कर ले। आप झल्ली हो गई है, तुझे नहीं पता हमारे बड़े बहू डाढ़े हैं, बेटियों की डोलियों को जनाजों की, बेटों के जनाजों को रातों की तरह रुखसत करते हैं कि दिल नहीं पिघलते। के लिए लड़ना आसान, सुलह करना बहुत मुश्किल। अब हमारे फूफी की हवेली में जाना बंद हो जाएगा। उस हवेली में याद है उसकी, उस कमरे से उसकी खुशबू आती है। अब्बा तो हमें उसका प्रस्थान में भी नहीं जाने देंगे। जहां शाहजेब भी दफन, और मुबशर भी,
मामे ने जमानत करा दी मेरी। अशरफ से तो तू बच जाएगा पर मुझसे कैसे बचेगा? थानेदार साहब, जहां जेब जवाई है मेंडा, और ये मुमकिन नहीं है कि इसने मेरे पोत्र को मारा हो, वजाहत अपनी गोली से आप ही मरा है। मेरा वकील जमानत के कागज लेकर आ रहा है, मेहरबानी करें इसे छोड़। ठीक है साईं। बीबी, मामे ने जमानत करा दी मेरी, पर उसके तेवर चंगे नहीं लग रहे। उसको देखो तो लगता है जिवें कह रहा हो कि अपने हाथ ही मुझे सजा देना चाहता है। क्या करूं मैं? कहीं चला जाऊं? बीबी, मुल्क से बाहर चला जाऊं? पीछे तू संभाल लेगी ना मामे को, सारी शेवा को? हाँ? अशरफ से तो तू बच जाएगा पर मुझसे कैसे बचेगा? बेबी, तुझे क्या लगता है, जाने दूंगी मैं तुझे? थाने में मैंने तेरी बात का यकीन किया था, ये मिली तेरे कमरे से। ये तेरी है ना? इससे मारा था तूने मेरे बेटे को? बोल। दिमाग खराब हो गया था मेरा, पूरी दुनिया जानती थी कि मेरे निकाह में आई है वो कमीनी आसिया, जेबी से भगा कर ले गया। मेरे यार दोस्त, मेरे जड़न वाले अजीब नजरों से देखते थे मुझे। गैरत जाग गई थी मेरी, दोनों को मारना चाहता था मैं। रब दी सो, आसिया को मैंने इसलिए छोड़ा था कि उसे होर बड़ी सजा दूंगा। वो कभी नहीं मेरे हाथ ही नहीं लगी बीबी। आपने ही तो सिखाया है ना मुझे ये सब कुछ।
आपने भी तो उस लड़के को मारा था ना जो नाजो को भगा के ले गया था। जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले में डाल दिया तूने मुझे। बेटा कातिल, दूसरा बेटा मकतूल, मां मुनसिफ क्या फैसला करेगी? जी नहीं, वो उसे कैसे मार सकता है? वो तुझे बिसाई का भाई है। आसिया, जहां ने अपने भाई को नहीं मारा उसने तेरे आशिक को मारा है। जहां मर्जी के बिना सांस लेने की भी इजाजत ना, हाँ तुम दोनों मोहब्बत करने चले थे। नहीं नहीं बाजी ना जो, उसने नहीं, मैंने मारा है उसे, मैंने मारा है। कसम अल्लाह साई की, अगर मुझे पता होता तो मैं अपने चेहरे पे से खालक उतारती ना, ना वो मेरी तरफ देखता ना मिट्टी तले दबता। मुझे पता होता ना तो मैं अपनी आंखें नोच लेती, वो आंखें जो उसे देखती थी तो देखती रह जाती थी। उसको किसी ने नहीं मारा, उसे मैं खा गई जेबी साई को, मेरे जेबी साई को खा गई, मैं जेबी साई को खा गई। उसको किसी ने मारा, मैं जेबी साई को खा गई हूँ। मुझे समझ नहीं आती आसिया, मेरा दुख बड़ा है या तेरा? कातिल और मकतूल हम दोनों के ही कुछ लगते थे। मेरे भ्रा और तेरे, जेबी साई को किसी ने नहीं मारा, जेबी साई को मैं खा गई हूँ, मैं खा गई हूँ, जेबी साई को मैं खा गई, मैं जेबी साई को खा गई हूँ बाजी नासो, मैं जेबी साई को खा गई। चुप कर जा सिया, चुप कर जा, ना रो ना रो मत रो। क्यों बुलाया मुझे? मामे से बात कर, पंचायत लगाना चाहता है, मुझे खुद सजा देना चाहता है। समझा उसको कि मैंने वजाहत को गोली नहीं मारी, वो मुझे गोली मारने आया था, गोली चली और गोली लगी वजाहत को। ए होया, मुबशर भी ऐसे ही मरा होगा आपके हाथों? मुबशर को मैंने नहीं मारा। अच्छा जेबी, वो भी आपको मारने आया होगा, गोली चल गई होगी और उसे लग गई होगी। साईं आपकी बात पे, पंचायत में अगर ये बात हुई कि भावजात को आपने जानबूझ के नहीं मारा तो आपकी बात पे कौन एतबार करेगा? मैं कसम खा सकता हूं
इसकी कसम खाएंगे। पीछे बच्चा ही कौन है जो आपको बहुत अजीज हो? मुझसे तो पहले नफरत हो गई आपको। अपने भरा को अपने हाथों से मार, और पुप्पी उसकी तो वो इज्जत ही नहीं रही आपकी नजरों में जो पहले कभी हुआ करती थी। आसिया की कसम उठाएंगे। नहीं वो तो बस लेखा। अपनी नजरों के सामने ताकतवर होते देखा है आपको, कुछ भी देख सकती हूं, आपको ऐसे नहीं देख सकती। मैं बात करूंगी अब्बा साईं से। मैं सारी जिंदगी तेरा शुक्र कोशिश करूंगी, आता नहीं। माफी, कोई मज नहीं खोली उसने मेरी, पुत्र मारा है मेरा, सारी जागीर भी लिख देना मेरे ना, तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अपने पुत्र के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेना है मैंने उससे। और तू क्यों मिलने गई थी उसे? जैसा भी है सर का साई है वो मेरा, बुलाया था उसने, जाना तो बनता था। पुत्र मारा है उसने मेरा और मैं उससे रिश्ते निभाता फिरूं? देखा नहीं तूने, मैंने बीबी को भी इस हवेली में नहीं घुसने दिया। खत्म हो गए हमारे उससे रिश्ते नाते, बस। देख लेना आपस आई, पुत्र का इंसाफ करते करते बेटी के साथ ना इंसाफ ही ना कर देना। एक मिनट थई खलो जन्नत बीबी, एक कातिल दी मां मकतूल को क्या इंसाफ देसी? तेरा काई फैसला मैं को कबूल काई ना, ते को इंसाफ दी कुर्सी उन छड़नी पौसी। छोटी उम्र थी मेरी कि बशारत साईं से मेरा रिश्ता हो, रोहेलिया वाली में मैं खेतों में घूमती फिरती थी, सारा दिन खेलती थी, पांच सात कुड़ियां आगे पीछे होती थी।
बड़ा गरूर था मुझे अपने हुस्न पे। और फिर एक दिन वो कमीना खेतों में आ गया। कौन? शारद। शादी से पहले उसने मुझे मैंने उसकी मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पर अक्सर मर्द ऐसे ही होते हैं, मर्दान की दिखानी होती है ना, औरत की इज्जत पे हाथ पड़ता है। फिर मैं नजे भी ऐसा नहीं था, औरत की इज्जत करता था, सर ऊंचा किया उसने मेरा, अपने बाप जैसा नहीं बना। औलाद चंगी निकली है मेरी, सेपी, मेरा सेपी। बीबी, बाहर नवा पुलिस वाला आया है जो ला रहे हैं। जी बीबी। आप जानती हैं बीबी, शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम को मैंने सिर्फ आपकी वजह से गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि यहां की रीत है, इधर कानून ने मुजरिम को गिरफ्तार किया तो उधर मकतूल के लवाहिकीन उसे छुड़ाने आ गए, ताकि अपने प्यारे के कत्ल का हिसाब वो खुद ले सके। यहां पर कातिल और मकतूल दोनों की सरबराह आप। मुझे बताएं, अगर मैं जहां सिंह को गिरफ्तार करता हूं तो आप उन्हें छुड़ाने तो नहीं आएंगे? थोड़ा वक्त दे सकता है मुझे? आप क्या चाहती हैं? मुझे तो कुछ पता नहीं है क्या जा रहा है। दो पुत्र गंवा चुके, तीसरा गंवाने से पहले जरा सोचना चाहिए। ठीक है बीबी, मैं कुछ दिन इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगा। एक दरख्वास्त है। बोल। अगली दफा जहां सिंह को गिरफ्तार होने से रुकवाना हो तो या तो मुझे ट्रांसफर करवा दीजिएगा या फिर, क्योंकि तीसरी सूरत में जहां सिंह गिरफ्तार ही होंगे। खुदा हाफिज।
देखा था कैसे टुकुर टुकुर देख रहा था तेरी तरफ। किसकी बात कर रहे हो? वही जो बातें किसी और से करता है, देखता तेरी तरफ है। वही क्या नाम है उसका? वो पुलिस वाला, नाम क्या था उसका? हाँ, वकास। वकास नहीं, वकार। हाँ वही, हर वक्त तुझे मोहब्बत से देखता है वो। खाला, ये पानी ना तेरे सालन में डाल देने। मैंने, मुझे तो बहुत सोना लगता है। तो कर लेना तू व्या। मेरे तो पुत्रों जैसा है। मेरा वकार भी इतना ऊंचा हो गया होगा। मैं पिंड में होती तो अपनी ती का रिश्ता ढूंढ रही होती। मेरा तो दिल करता है तेरा भी चंगी थां ते ब्याह हो जाए। खाला ना किया कर ऐसी बात है। मुझे नहीं होना है रुखसत, मुझे नहीं करना ब्याह। मेरी बाकी की जिंदगी के लिए सेबी साई की यादें काफी है। और मेरे से आइंदा से बात ना करी। मेरी तो गुजर गई, मेरा तो इस हवेली से जनाजा ही उठेगा। पर मेरा दिल चाहता है इस हवेली से तेरी टोली उठे। मैं तुझे रुखसत हो तो वो देखना चाहती हूँ। एक मिनट थई खलो जन्नत बीबी, इस इंसाफ दी कुर्सी ते बवण तू पहले तै मेरे एक सवाल दा जवाब देवना है। एक कातिल दी मां मकतूल को क्या इंसाफ देसी? तेंडे इंसाफ ते कई सवाल उठसन। तेरा काई फैसला मैं को कबूल काई ना, ते को इंसाफ दी कुर्सी उन छड़नी पौसी। दसो भी राव, क्या मैं गलत आदा पिया सही आदा पिया? बीबी, 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 बसाई। एक बात पूछूं? पूछ पुत्री। अगर भाव जात से जहां साई का कत्ल हो जाता, पंचायत में आप फैसला करते या पुप्पी? जाहिर है
बड़ी बीबी करती। खुब्बी का आखिरी पुत्र भी ना रहता तो आपको क्या लगता है वो भावजात को क्या सजा देती? मुझको क्या पता, बहुत बड़ी सजा देती। भावजात को बचाने के लिए आप उप्पी से सुलह या माफी की बात करते, दिल पे हाथ रख के बताना बस है। करता, जरूर करता। माफी की बात ना सही, सुलह की बात तो करता। पर पुप्पी को आपने मौका ही नहीं दिया। दरवाजे से ही वापस भेज दिया। जो कुछ हुआ इस पुप्पी का क्या कसूर था? कभी नहीं चाहती थी कैसा हो। पुत्र तो उसी का है ना, और मेरा पुत्र मरा है, फट तो मुझे लगी है ना। इसे तो पंचायतें कभी खत्म ही नहीं होगी अब्बा साई। कल को शफकत के हाथ से कोई कत्ल हो गया तो मकतूर के वारिस से कुर्सी छीन कर उसी कुर्सी पे बैठ के तेरे खिलाफ फैसला सुना दे, तब क्या करेगा तू? तब की तब देखी जाएगी। ये क्या बातें लेकर बैठ गई है, मुझे ना खपा। ना साईं, जहां साईं को ना साईं, अपनी बहन का पुत्र समझ के माफ कर, अपनी बहन का पुत्र भी ना सही, अपनी धी के सर का साई समझ के माफ कर। हाथ झुकती हूं तेरे आगे। माफी नहीं मिली, ना मेरी बहन के पुत्र को और ना मेरी धी के सिर के साई को। पंचायत में जा रहा हूं। ठहर, मैं विजुल सा देखती हूँ अशरफ का फैसला सख्त है या वो जो मैंने तेरे लिए सोचा है। पंचायत फैसला करती है कि जहां जेब जुलेखा को तलाक देगा। पंचायत लगी है, फैसला हुआ है कि मेरी तरह मेरी बेटी भी वही हो जाएगी।